नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर। जैसा कि दोस्तों अगर हम बात करें भारत के डिजिटल क्रांति में एक और नया जो है इनिशिएटिव लिया गया है जिसका नाम है वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी। अब सवाल यह है दोस्तों कि ये वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी इनिशिएटिव भारत सरकार का एक्चुअल है क्या? इसके साथ साथ राइट नाउ एक चर्चा बहुत बना हुआ है, वो है आपका अपार के बारे में। तो आज हम इस वीडियोज के माध्यम से बात करेंगे कि अपार आईडी एक्चुअल में होता क्या है। ऐसे भारत सरकार का कई सारा इंपॉर्टेंट फ्लैगशिप प्रोग्राम चला, जैसे वन नेशन वन इलेक्शन के रिगार्डिंग कई बार डिस्कशन किया गया, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट्स। राइट नाउ जो न्यूज है दोस्तों वो है हमारा वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी के बारे में। तो आज की इस वीडियोस के माध्यम से बात ये किया जाएगा अपार के बारे में, देन इसके साथ साथ आखिर ये स्टूडेंट आईडी की बात किया जा रहा है तो ये किस तरह से जनरेट होगा, किस तरह से वर्क करेगा। अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट किसी स्कूल में पार्टिकुलर पढ़ रहा है और एक स्कूल से ट्रांसफर होकर के किसी दूसरे स्कूल में जाता है तो वहाँ पर फिर क्या सिचुएशन होगा, तो ये सारी चीज़ों को इसी वीडियोज़ के माध्यम से डिस्कस किया जाएगा। और आप अपार आईडी कैसे जनरेट कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट से, वो भी चीज़ों पर डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं कि हालांकि ये कोई नई चीज नहीं है, भारत सरकार का जब 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया था तो ये वन स्टूडेंट वन आईडी का जो कॉन्सेप्ट था ये उसी वक्त से था नॉर्मली। लेकिन फिर फाइनली जाकर के राइट नाउ कई सारी जो स्टेट गवर्नमेंट थी जो भारत सरकार को अपील की, रिक्वेस्ट की कि ये जो फॉर्मेट है इस पर काम किया जाए, वर्क किया जाए, देन फाइनली 2023 में फिर से ये दोबारा न्यूज़ पे बना हुआ है दोस्तों। और जैसा कि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो GS2 का जो पार्ट है गवर्नमेंट पॉलिसीज के रिगार्डिंग, वहां पर काफी महत्वपूर्ण हो जाता है ये टॉपिक दोस्तों। तो यहां पर आप देख लीजिए कि स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्टेड स्कूल टू सीक पेरेंटल कंसेंट फॉर द क्रिएशन ऑफ अ न्यू स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड नोन एज द अपार, विच इज कॉल्ड ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, दैट इज कॉल्ड अपार। कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, रिसेंटली सीन इन न्यूज अपार, ऐसे करके क्वेश्चन कई बार आ सकता है दोस्तों, तो ये रिमेंबर रखना है। दिस इज पार्ट ऑफ द वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी इनिशिएटिव ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, ये भी आपको रिमेंबर रखना है। बेसिकली दोस्तों होगा क्या, जैसे मान लीजिए कि अगर हम एक स्कूल में एडमिशन लेते हैं, अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है तो उसके बाद से तो एक मेरा स्टूडेंट आईडी जनरेट हो जाएगा। तो मान लीजिए मैंने 5 क्लास में मेरा एक जर्नी शुरुआत हुआ या 1 क्लास से मेरा जर्नी शुरुआत हुआ तो वहाँ से मेरा एक आईडी जनरेट हो गया। देन इसके साथ साथ आईडी जैसे जनरेट हुआ 1 to 10 क्लास, इस बीच में मान लीजिए अगर हम स्कूल ब्रेक करते हैं, डैट इज कॉल के किसी स्कूल, एक स्कूल से दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र करते हैं, तो वो जो नॉर्मल आईडी जनरेट हुआ है तो उसमें क्या होगा कि मेरा सारा रिकॉर्ड रहेगा, सर्टिफिकेट्स का रिकॉर्ड रहेगा, मेरा क्रेडिट का रिकॉर्ड रहेगा, लर्निंग अचीवमेंट, यानी सारा कुछ उसी पार्टिकुलर आईडी में मतलब रहेगा। जैसे ही वो आईडी हम ओपन करेंगे तो सारा अचीवमेंट मेरा डॉक्यूमेंट्स वाइज खुल जाएगा दोस्तों, ओपन हो जाएगा। अपार आईडी नॉर्मल यही है। तो अगर आप एक स्कूल में पढ़ रहे हैं, वहाँ से हायर स्टडी करने गए तो वही आईडी क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा हायर स्टडी में। देन इसके बाद मान लीजिए कि आप ग्रेजुएशन करने जा रहे हैं तो वही आईडी ट्रांसफर हो जाएगा आपके कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में। तो ये इस तरह से जो है सिस्टम वर्क करेगा। काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है, अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन यहाँ पर एक कंसर्न ये भी है कि जो भी बच्चे रहेंगे उनका जो भी इंफॉर्मेशन होगा तो वो पेरेंट के कंसेंट से मांगा जाएगा। अब यहाँ पर ये लूप होल समझिए, कई सारे पेरेंट हो सकता है नहीं भी दे पाएंगे, कुछ ऐसा बहुत बड़ा इशू हो सकता है, तो ये नॉर्मली कंसर्न है भारत सरकार का ओवरऑल, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे कि आखिर इसका पर्पस क्या है, तो पर्पस मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया कि एक बार आपका अपार आईडी जैसे ही जनरेट हो जाएगा तो आप थ्रू आउट द लाइफ जहां जहां पर स्कूलिंग किए, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, आपका अचीवमेंट, आपका क्रेडिट, आपका लर्निंग, सारा चीज का जो इंफॉर्मेशन है उसी पार्टिकुलर आईडी के अंदर जो डॉक्यूमेंट है वहां पर स्टोर होता रहेगा दोस्तों। यानी कि ईच स्टूडेंट वुड गेट ए लाइफ लॉन्ग अपार आईडी, मेकिंग इट ईजी फॉर द लर्नर्स, स्कूल्स एंड गवर्नमेंट टू ट्रैक एकेडमिक प्रोग्रेस फ्रॉम प्री प्राइमरी एजुकेशन टू हायर एजुकेशन। यही भारत सरकार का मेन पर्पस है। कई बार क्या होता है दोस्तों कि कई सारा फेक डॉक्यूमेंट्स बन जाता है, कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग अलग अलग सर्टिफिकेट्स बनवा लेते हैं। ये आईडी होने से क्या होगा कि ये जो फेक डॉक्यूमेंट है, फेक सर्टिफिकेट्स है, यहाँ का जो लूप होल्स है वो कंट्रोलिंग हो सकता है, अब कोई डुप्लीकेसी नहीं हो पाएगा, बिकॉज एक बार आईडी जनरेट्स हो गया तो डुप्लीकेसी होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ये रिमेंबर रखिएगा। तो भारत सरकार
प्रकार का मेन पर्पज आपका यही है। अपार का मैंने फुल फॉर्म आपको बता ही दिया। इसके साथ साथ आपको याद होगा दोस्तों कि हम लोग डिजी लॉकर का एक कॉन्सेप्ट को जानते हैं। डिजी लॉकर नॉर्मल क्या होता है कि जैसे एक बैंक है मान लीजिए, तो हमारे पास मान लीजिए बहुत सारा प्रॉपर्टी का पेपर है, देन इसके बाद मान लीजिए स्कूल का सर्टिफिकेट है, कॉलेज का सर्टिफिकेट है, तो हम लोग बैंक जाते हैं। डिजी लॉकर का अलग अलग सिस्टम होता है, वहाँ पर जो भी उनका सब्सक्रिप्शन होता है वो खरीद लेते हैं और अपना डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर जाके स्टोर करवा लेते हैं या ऑनलाइन भी हम लोग दे देते हैं, तो ये बैंक वाला हैंडल करती है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि अपार वुड ऑल्सो सर्व एज अ गेटवे टू डिजी लॉकर, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। डिजी लॉकर पर भी बात करेंगे हम, क्योंकि ये भारत सरकार का एक फ्लैगशिप स्कीम है। डिजिटल सिस्टम वेयर स्टूडेंट्स कैन स्टोर देयर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बोले तो क्या हो गया, 10th का सर्टिफिकेट, 11th का, देन इसके बाद आपका ग्रेजुएशन हो गया, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो जाता है, या इसके साथ साथ मान के चलिए कि उनका जो भी आइडेंटिफिकेशन, जो आईडी प्रूव्ड है, ये सारा कुछ जो है उनका एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है दोस्तों। इसके साथ साथ उनके लाइफ लॉन्ग अचीवमेंट, उन्होंने क्या क्या अचीव किया अपने लाइफ में, सच एज एग्जाम का रिजल्ट्स हो जाता है, रिपोर्ट कार्ड्स विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके साथ साथ आपका मेकिंग इट ईजियर टू एक्सेस एंड यूज देम इन द फ्यूचर फॉर परसुइंग हायर एडुकेशन और फाइंडिंग अ जॉब, ठीक है। तो ये मेन इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा दोस्तों डिजी लॉकर का, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। डिजी लॉकर की हम बात किया जाए तो ये एक भारत सरकार का फ्लैगशिप इनिशिएटिव है जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आता है और ये नॉर्मली डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का एक पार्टिकुलर इनिशिएटिव है दोस्तों, ये रिमेंबर आपको रखना है। इसके साथ साथ ये गवर्नमेंट का एफर्ट था कि क्रिएट किया जाए एक इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ डॉक्यूमेंट्स को, ठीक है, विच कैन बी इजिली वेरीफाइड एंड स्टोर्ड इन प्रिंटेबल फॉर्मेट्स, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, रिमेंबर रखना है। जैसे हम लोग कई बार क्या करते हैं, गूगल ड्राइव का यूज़ करते हैं, ड्रॉप बॉक्स का यूज़ करते हैं, तो डिजी लॉकर भी समथिंग उसी तरह का काम करता है, ठीक है, ये रिमेंबर आपको रखना है। इसके साथ साथ डिजी लॉकर कैन स्टोर ए यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर URI लिंक फॉर ई डॉक्यूमेंट इशूड बाई वेरियस इशूअर डिपार्टमेंट्स, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अब सवाल यह है दोस्तों कि आखिर अपार जो आईडी जो अभी राइट नाउ बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ पे है, इस पार्टिकुलर भारत सरकार का इसका इंट्रोडक्शन करने का इसके पीछे क्या इंपॉर्टेंट जो है वजह है, क्या वो इंपॉर्टेंट रीज़न है, ये भी काफ़ी मैटर करता है। तो पहला हम वजह देख लेते हैं गवर्नमेंट का कि टू मेक एजुकेशन हैजल फ्री एंड रिड्यूस द नीड फॉर स्टूडेंट्स टू कैरी फिजिकल डॉक्यूमेंट्स। यानी एक बार अपार आईडी अगर जनरेट हो गया तो अब आप मान लीजिए कोई जॉब, जैसे कि मान लीजिए इंटरव्यू देने जा रहा है, तो अब आपको कोई डॉक्यूमेंट्स लेके जाना नहीं होगा, ये अपार आईडी के थ्रू ही आपके मोबाइल्स पे वो जनरेट रहेगा और वो मान लीजिए कि ऑफिस से जिस भी पार्टिकुलर ऑफिस पे जा रहे हैं तो वहाँ से वो कनेक्ट हो जाएगा टोटली, तो फिजिकली कैरी नहीं करना पड़ेगा। ये एक इंपॉर्टेंट मतलब कह सकते हैं कि इंट्रोडक्शन है सरकार का, पीछे जो मकसद है एक्चुअल में। सेकेंड हम बात करेंगे स्टेट गवर्नमेंट टू ट्रैक लिटरेसी रेट, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको अक्सर पता है कि जब भी सेंसस होता है तो लिटरेसी रेट काफ़ी मैटर करता है, ठीक है। ड्रॉप आउट रेट्स, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। अक्सर कई सारे जो बड़े बड़े लोग हैं वो तो ड्रॉप आउट हैं, तो अगर मान लीजिए किसी भी पार्टिकुलर स्टेट में जो बच्चे पढ़ते हैं उनका ड्रॉप आउट रेट्स अगर बढ़ता जाएगा तो वहाँ का सिस्टम एडुकेशन का वो ख़राब होता जाएगा, साथ साथ वहाँ पर डेवलपमेंट कम हो जाएगा, तो ये सारा इश्यूज़ होते रहता है। ड्रॉप आउट रेट्स विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। हेल्पिंग देम मेक इम्प्रूवमेंट्स विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, वंस अगेन। थर्ड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि टू रिड्यूस फ्रॉड एंड डुप्लीकेट एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स। मैंने अभी आपको बताया कि कई बार क्या होता है कि डुप्लीकेट सर्टिफिकेट्स बन जाता है, फ्रॉड्स सर्टिफिकेट बन जाता है, तो ये सारा इश्यूज भी क्रिएट होता है। बट एक बार अगर आपका अपार आईडी क्रिएट हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा, तो वो लाइफ लॉन्ग आपका रहेगा। जब तक आप स्टडी कर रहे हैं हमेशा उसको आप ऑपरेट कर सकते हैं इजीली, हैजल फ्री है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये थर्ड नंबर रिमेंबर रखिएगा, आपको मेंस में हेल्प करेगा, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। ट्रस्टेड रेफरेंस फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। लास्ट पॉइंट, ओनली फर्स्ट पार्टी सोर्सेज डैट इशू, ओनली फर्स्ट पार्टी सोर्सेज डैट इशू सर्टिफिकेट्स विल बी अलाउड टू डिपॉजिट क्रेडिट्स इन टू द सिस्टम इंश्योरिंग ऑथेंटिसिटी। अब देखिए सवाल यह है कि ओनली फर्स्ट पार्टी सोर्सेज क्या हो जाता है। जैसे मान लीजिए अगर हमको स्कूटी खरीदना है नया वाला, तो हम शोरूम जाते हैं और शोरूम से क्या करते हैं कि स्कूटी को खरीद लेते हैं, तो वो क्या हो गया कि हम जो नया स्कूटी खरीदे तो डायरेक्टली कहाँ से खरीद रहे हैं, शोरूम से जाके खरीद रहे हैं फर्स्ट हैंड, ठीक है, तो वो क्या हो गया मेरे लिए फर्स्ट पार्टी हो गया। अगर उसी स्कूटी को जो हम खरीदे हैं और उसको अगर हम बेच देंगे तो वो जो बंदा खरीदने वाला है जिसको हम बेचे हैं वो उसके लिए वो सेकेंड हैंड हो जाएगा। तो सेम सिस्टम यहाँ भी है, अगर हम किसी स्कूल में ज्वाइनिंग कर रहे हैं वहाँ पर अपार आईडी जब मेरा एक जनरेट होगा तो वो फर्स्ट पार्टी जनरेट
जनरेट करेगा, और वही फर्स्ट पार्टी जो जनरेट करेगा वहां से ये जो है मूव ऑन होता जाएगा। हायर स्टडी पढ़िए, यूनिवर्सिटीज में पढ़िए या जॉब कीजिए, जहां भी जाइए ओवरऑल, ठीक है, समझिएगा। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्रेडिट्स के बारे में, क्रेडिट्स नॉर्मल क्या होता है कि आपने कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया, कितना मार्क्स आया, रिजल्ट्स कैसा हुआ, ये सारा आपका क्रेडिट रहता है ओवरऑल, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाउ डज द गवर्नमेंट अपार आईडी टू वर्क, आखिर ये वर्क कैसे करेगा। मैंने ऑलरेडी आपको बताया, थोड़ा सा लिखा हुआ जो चीज उसको देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि एकेडमिक बैंक क्रेडिट नाम का एक लिंक जो है आपका जनरेट होगा, विच इज अ डिजिटल स्टोर हाउस दैट कंटेन इंफॉर्मेशन ऑफ द क्रेडिट्स। क्रेडिट्स के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया आपको, अर्नड बाई स्टूडेंट थ्रू आउट देयर लर्निंग जर्नी विद द अपार आईडी। स्टूडेंट्स वुड बी एबल टू स्टोर ऑल देयर सर्टिफिकेट्स एंड क्रेडिट्स, वेदर दे कम फ्रॉम फॉर्मल एडुकेशन या फिर कह सकते हैं कि इनफॉर्मल लर्निंग। व्हेन ए स्टूडेंट कंप्लीट्स अ कोर्स और अचीव समथिंग, इट्स डिजिटली सर्टिफाइड एंड सिक्योरली स्टोर्ड इन हर अकाउंट बाई ऑथोराइज्ड इंस्टीट्यूशन। सिंपल हो गया कि मान लीजिए एक एकेडमिक बैंक क्रेडिट है, एबीसी के नाम से है, और इसमें थ्रू आउट द लाइफ आपने जो भी इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स किया है ये यहाँ पर जाकर के आपका स्टोर्ड हो गया। अब कल हो के मान लीजिए कि एक स्कूल से दूसरे स्कूल में आपको जाना है तो सारा डेटा क्या होगा, वहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, बार बार आईडी जनरेट नहीं होगा, ये रिमेंबर रखना है। अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट का कि हाउ डज द गवर्नमेंट अपार आईडी टू वर्क, तो मैंने ऑलरेडी बताया और यहाँ पर एक इमेजेस के थ्रू बता देते हैं कि मान लीजिए एक बच्चा है जो एक नॉर्मल स्कूल में पढ़ रहा है, और मान लीजिए यही बच्चा सेम अगर मान लीजिए ये चला जाएगा कॉलेज में, तो इसका जो फर्स्ट पार्टी जो अपार आईडी जनरेट हुआ था, तो यही आईडी क्या होगा, यहाँ से ट्रांसफर होकर के कॉलेज में चला जाएगा, जो इस बातें पे यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ क्लियरली, द एबीसी गेट्स ट्रांसफर्ड टू हर न्यू स्कूल जस्ट बाई शेयरिंग द अपार आईडी, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट है कि जैसे ही आप अपार आईडी जनरेट कर लीजिएगा तो कुछ इस तरह का इंफॉर्मेशन आपको खुल जाएगा, अथॉरिटी यानी जिसने किया है, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देन इसके साथ आपका पोर्टल का नेम, पोर्टल का नेम मैंने बता दिया, बेनिफिशियरी हो गया, पर्पस, टोटल रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स, अपार का माने, और जो भी चीज़ें यहाँ पर है कि क्या क्या आपका इन्फॉर्मेशन लगेगा, तो इस तरह से कुछ आपका जनरेट हो जाएगा दोस्तों। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि एक्चुअल में कंसर्न्स क्या है, तो देखिए कंसर्न यहाँ पर यही है कि पेरेंट और स्टूडेंट हैव कंसर्न्स अबाउट शेयरिंग देयर आधार डिटेल, ये इंपॉर्टेंट कंसर्न है। यानी जो भी आपका आधार का जो डिटेल शेयरिंग होगा, यहाँ से जो है क्या होता है, प्राइवेसी का एक इशू आ रहा है, यानी कि आर्टिकल 21 आपको रिमेंबर रखना है। दे वरी डैट देयर पर्सनल इन्फॉर्मेशन कुड बी लीक्ड टू आउटसाइड पार्टीज, फर्स्ट वन। द गवर्नमेंट हाउएवर सेज दैट द इन्फॉर्मेशन शेयर्ड बाई स्टूडेंट विल बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल एंड विल नॉट बी शेयर्ड विद एनी थर्ड पार्टी एक्सेप्ट फॉर एंटिटीज इंगेज्ड इन एजुकेशनल एक्टिविटीज। तो ये एक एंगल रिमेंबर रखना है, और साथ साथ एक आपका यू डाइस प्लस डेटाबेस ये भी रिमेंबर रखना है, क्योंकि कई बार ये जो डेटाबेस है ये भारत सरकार यूज करती है, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। आई होप कि दोस्तों आपको अपार आईडी के बारे में थोड़ा सा क्लियरेंस हुआ होगा, और साथ साथ वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी क्या है ये भी क्लियरेंस हुआ होगा। जाते जाते दोस्तों एक चीज़ हम आपको बता के जाते हैं, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अभी रिसेंट में RBI ने अपना समर इंटर्नशिप का जो है प्रोग्राम निकाला है, जिसका शुरुआत हुआ 15 अक्टूबर से और ये ख़त्म होगा 15 जनवरी तक। तो ऐसे बच्चे जो बैंकिंग की दुनिया में अपने आप को जमाना चाहते हैं या उस प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि RBI के पास आपको इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा। और ये 3 मंथ का इंटर्नशिप है, जिसकी शुरुआत होगी अप्रैल मंथ से, अप्रैल में जून में ये ख़त्म होगी, और जिसका डेट है फिलअप करने का वो आपका 15 अक्टूबर से 15 दिसंबर है। ऐसे बच्चे जिनका बैकग्राउंड या तो PG में MA है, MCOM है, या इसके साथ साथ मान के चलिए बैंकिंग, इकोनॉमिक्स, फिनेंस या इंटीग्रेटेड कोर्स है आपका, तो आप अप्लाई कर सकते हैं RBI की ऑफिशियल साइट पे जा करके, जिसमें 3 मंथ आपको स्टाइपेंड मिलेगा 20,000। और साथ साथ RBI क्या है, एक सेंट्रल बैंक है हमारे देश की, जिसके थ्रू क्या होगा कि अगर आप एक बार इंटर्नशिप कर लेते हैं यहाँ से, तो काफ़ी जो बड़ी बड़ी और भी जो प्राइवेट कंपनीज़ है, स्पेशली बैंक है या सरकारी जो बैंक है IBPS या SBI में, अगर आपको जॉब वहाँ पर लगेगा या इंटरव्यू दीजिएगा, और इंटर्नशिप का ये जो कोर्स अगर आप कंप्लीट करके अपने बायोडाटा में चिपकाइएगा, उसमें प्रेजेंट कीजिएगा, तो ये काफ़ी इंपैक्टफुल होगा दोस्तों। तो ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन, ये रिमेंबर रखिएगा दोस्तों।
इसके साथ साथ आई होप के वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी आपको क्लियर हुआ होगा। देन इसके साथ साथ आप अपनी पढ़ाई पे जबरदस्त तरीके से फोकस रहिए, हमारे चैनल पे भी आप फोकस रहिए, डे बाय डे हम लोग और अच्छे से इम्प्रूव करेंगे, आपके अकॉर्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको दिया जाएगा, जो लूप होल से तैयारी में वो समझाया जाएगा, बताया जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी चीज़ पर मेहनत कर रहे हैं, एक चीज़ हमेशा रिमेंबर रखिए कि उसमें अपना जान को जो है फूंक दीजिए, मेहनत कीजिए तगड़े तरीके से बेहतरीन लेवल पे, और यही सोच के चलिए कि मेरे लाइफ का प्राइमरी गोल है, बाकी सब चीज़ सेकेंडरी है। और एक बार ये चीज़ अगर आपके लाइफ में सिस्टम क्रिएट हो जाएगा, यकीन मानिए अचीवमेंट्स के बाद सब चीज़ जो है बदल जाता है दोस्तों। जिस तरह से हमारा भारत का जो है कहानी बदला, जिस तरह से हम लोग ट्रांसफॉर्म लिए, इसी तरह से लाइफ का भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, बट अभी थोड़ा सा सैक्रिफाई करना होगा। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर, जय हिंद दोस्तों।